हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना मनाली ट्रिप का फोर्थ पार्ट। तो गाइस, अभी मॉर्निंग का 8:30 हुआ है और आप लोग देख रहे होंगे गाइस, इतना ज़्यादा यहाँ पे अभी स्नोफॉल हो रहा है। तो मॉर्निंग के 4 बजे हम लोग उठे थे, तो हमने देखा था बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, साथ में स्नोफॉल भी हो रहा था। पर बारिश के साथ स्नोफॉल नहीं रहता है, मेल्ट हो जाता है। तो गाइज, फिर यहाँ पर 6 बजे के आसपास बारिश बंद हुई थी और उसके बाद से रेगुलर यहाँ पे स्नोफॉल होता रहा। और गाइज, इतना सुंदर अभी का यहाँ पे व्यू लग रहा है ना, स्नोफॉल होते हुए बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है गाइज। तो अभी मॉर्निंग के 8:30 हुए, तो जैसी बारिश बंद हुई थी हम सभी लोग बाहर निकल गए थे, क्योंकि बारिश हो रही हो तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बट अगर बारिश बंद हो, खाली स्नोफॉल हो रहा हो, तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। तो इस वक्त तो हम फुल इन्जॉय कर रहे थे गाइज, यहाँ पर बच्चे सब लोग बाहर निकल गए थे। यहाँ पे मासी और मेरा कजन ब्रदर है, ये लोग भी बाहर आ गए थे जैसी बारिश बंद हुई थी। तो गाइज, मैंने आपको अपना जो मेरा फर्स्ट वीडियो गया था मनाली ट्रिप का, मैंने उसमें बताया था कि हमें पता चला था कि स्नोफॉल होना है, तो इसलिए हम लोग मनाली जा रहे हैं। और गाइज देख लो, आप अभी स्नोफॉल होते हुए इतना सुंदर लग रहा है, मानो जैसे ना रोई के रेशे हो ना, वो गिर रहे हो। और बिल्कुल सूखा होता है इसमें, मतलब आप नीचे खड़े होके भी इंजॉय कर सकते हो, मतलब बहुत सुंदर लगता है। तो गाइज, हमारा जो यहाँ पे आने का जो मेन रीज़न था वो पार्थी का भी था, क्योंकि पार्थी ने आज तक कभी स्नोफॉल होते हुए नहीं देखा है, जबकि पार्थी के नानी के यहाँ पे हर साल स्नोफॉल होता है। बट हम नेक्स्ट डे वहाँ पे पहुँचते थे जब स्नोफॉल हो जाता है, तो मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने भी स्नोफॉल होते हुए नहीं देखा था, क्योंकि स्कूलिंग के बाद कॉलेज बाहर रहा, फिर मेरी जॉब बाहर रही, फिर शादी हो गई, तो उसके बाद से स्नोफॉल नहीं देखा। हम मनाली भी आते थे, तो मनाली भी तब आते थे जब स्नोफॉल हो जाता था। तो इस बार तो गाइज हमारा यहाँ पे आना सीरियसली में वो सफल हो गया था, क्योंकि स्नोफॉल भी हो गया था। तो मेरे मासी यहाँ पे सबको हाई करें, और सारी फैमिली बच्चे बाहर निकले हुए थे अभी, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो गाइज, बस थोड़ा बहुत हम लोग सैड हो गए थे, क्योंकि हमें सोलांग वैली जाना था, और जो अटल टनल है जो लाहौल स्पीति के लिए बनी है, वहाँ जाना था, बट वहाँ पर अब जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि रोड वगैरह बंद हो गए थे। तो सोलांग वैली से एक नीचे एरिया है जो बिल्कुल ग्राउंड टाइप में है, तो वहाँ पर स्की हो रहा था और क्या बोलते ट्यूब स्लाइड हो रहा था, तो वहाँ पर जाने के लिए बोल रहे थे, बट वहाँ पर अपनी गाड़ी हम नहीं लेके जा सकते थे, वहाँ के लिए हमें टैक्सी हायर करनी पड़नी थी। तो टैक्सी के लिए हमें पूछा था, तो 5000 वो ले रहे थे टैक्सी का। बट गाइज, अपनी गाड़ी में ना सेफ लगता है मुझे, टैक्सी में बिल्कुल भी मतलब ट्रस्ट नहीं है, तो थोड़ा डर सा रहता है। तो हम लोगों ने वहाँ जाने का प्रोग्राम कैंसिल किया था, क्योंकि बच्चे भी साथ में थे। और जो मनाली है, मनाली माल रोड है, वहाँ पर जाने के लिए टैक्सी हायर करे तो 1000 ले रहे थे यहाँ पे होटल से। तो मनाली के जो माल रोड है वहाँ तक तो हम अपनी गाड़ी लेके जा सकते थे, बट सोलांग वैली की तरफ जाना अलाउड नहीं था, क्योंकि वहाँ पे 4x4 ही चाहिए, या फिर आप ATV भी हायर कर सकते हो। तो ATV अगर आप हायर करते हो तो 1000 पर मेम्बर वो लोग ले रहे थे, और अगर अदरवाइज आपको टैक्सी हायर करनी पड़ेगी, क्योंकि खुद की गाड़ी पर आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि अगर स्नोफॉल हो रहा है तो गाइज बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे। अगर स्नोफॉल नहीं है तो आप अपनी गाड़ी से जा सकते हो। तो यहाँ पर अभी भी स्नोफॉल गाइज हो रहा है, इतना सुंदर यहाँ का व्यू लग रहा है। तो सामने के मैंने पहाड़ दिखाए थे ना कल, वो बिल्कुल पहले तो कल ग्रीन ग्रीन थे, आज बिल्कुल व्हाइट हो चुके थे, पूरा देवदार का जंगल जो है वो पूरा बर्फ से भर गया था। और गाइज ये सामने वाला घर ना मुझे इतना सुंदर लग रहा था जब बर्फ गिर रही थी ना, मानो ना कश्मीर का वो नजारा सा दिख रहा था, तो मैंने ये भी जूम करके कैप्चर किया था। और सामने जो पीछे वाले ये पूरा देवदार का जंगल है, ये धीरे धीरे जैसे स्नो कम होती जा रही थी ना, स्नोफॉल कम हो रहा था, तो धीरे धीरे वो दिखाई दे रहा था। तो गाइज आप लोग भी इसको एंजॉय कीजिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, सीरियसली में बहुत सुंदर। क्योंकि एक स्नो जब स्नोफॉल गाइज हो जाती है ना, तब भी सुंदर लगता है, बट स्नोफॉल होते हुए ना बहुत सुंदर व्यू आता है, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर हमने होटल ही ऐसी जगह किया था जिसका पीछे का जो व्यू था वो इतना सुंदर था, बिल्कुल पहाड़ बिल्कुल पास में थे, तो हमें लगा था अगर स्नोफॉल होगी भी ना तो बहुत सुंदर यहाँ का व्यू आएगा। तो मैंने डोरा को तो यहाँ पे बिल्कुल टेडी बियर की तरह पैक कर दिया था। तो गाइज आप लोग भी अगर प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो आपको काफ़ी सारे वुलन्स के जैकेट वगैरह, अपनी कैप वगैरह, ग्लव्स और सॉक्स वगैरह आपको रखना, मतलब जरूरी रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ के गाइज मौसम का बिल्कुल भी पता नहीं है। क्योंकि कल हम लोग आए थे तो बिल्कुल अच्छी धूप लगी हुई थी, एकदम से रात को मौसम खराब हुआ और मॉर्निंग में स्नोफॉल हो गया था। तो बच्चों का के साथ तो सीरियसली मतलब कपड़े अच्छे लाए हुए होना, तो बिल्कुल भी ठंड का फिर कोई मतलब नहीं है, ठंड नहीं लगेगी।
तो इस वक्त हल्की हल्की स्नोफॉल रुक गई थी, तो इस वक्त का नजारा गाइज बहुत सुंदर था। अभी तक हम दो बार चाय भी मंगवा चुके थे, क्योंकि गाइज ऐसे में ना चाय पीने का बहुत मजा आता है। और यहाँ पे होटल में इतनी अच्छी चाय मिली थी हमें, अदरक वाली चाय, बहुत ही अच्छी चाय थी। तो दो बार हम चाय पी चुके थे, पर बहुत जल्दी वो ठंडी भी होती जा रही थी। तो गाइज हमने यहाँ पे ना ओपन पार्किंग की हुई थी गाड़ी की, तो पहले हमारी जो पार्किंग पे गाड़ी हमने लगाई थी, तो फिर हम यहाँ पे लेके आ गए थे ओपन पार्किंग में ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा डर ये था क्योंकि यहाँ पे जो टीन शेड है ना, वहां से बर्फ गिर रही थी। जो यहाँ के ओनर है तो उन्होंने कहा था कि आप गाड़ी साइड में लगा दो, क्योंकि अगर फ्रंट मिरर में गिर गई तो वो टूट जाएगा। तो गाइज आप लोगों के भी ध्यान रखना, अगर आप मनाली आ रहे हो, अगर आपने ओपन पार्किंग की है, तो आपको अपनी गाड़ी बिल्कुल मतलब किसी भी घर के या टीन शेड अगर होटल है तो उसके नीचे नहीं लगानी है, क्योंकि वहां से अगर बर्फ गिरी तो गाड़ी का मिरर टूट सकता है। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको अपने इयररिंग्स दिखा रही थी जो कल मैंने मालडोर से लिए थे। बाकी पीछे का व्यू तो गाइज आप देख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो गाइज अभी हमारा जाना तो हर जगह का कैंसिल हो गया था, तो बस यहाँ पे एक हिडिम्बा माता का मंदिर है, हम लोग वहां पर जाएंगे। तो मैं वहां का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अगर पॉसिबल कहीं और हुआ जाने का, माल रोड जाएंगे फिर से, मेरे को शॉपिंग करनी है, वहां का शेयर करूंगी। तो गाइज हमें मणिकर्ण भी जाना था, तो मणिकर्ण अब पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि रोड भी खराब है, तो हम लोग सिर्फ हिडिम्बा माता ही जा पाएंगे, बाकी कहीं भी नहीं जा पाएंगे हम। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर मैं फिर आती हूँ तो फिर आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर करूंगी। तो गाइज अभी का व्यू तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर सुंदर लग रहा है। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करें वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो गाइज यहाँ पर दोनों फैमिली जो साथ में आई हुई थी वो इंजॉय कर रहे थे, अभी मेरे हस्बैंड और मेरा कजन ब्रदर वो ऊपर रूम में ही थे। तो गाइज ये वाले भैया जिनके हाथ में अभी बर्फ है ना, तो इन लोगों के साथ हमारे काफी टाइम से अच्छे रिलेशन है, काफी लॉन्ग टर्म से रिलेशन है। तो जब भी हम मनाली आते हैं तो इन लोगों के साथ ही आते हैं। और जो पीछे वाले व्हाइट कोट में है वो इनकी वाइफ है, दो बेटे हैं इनके, तो ये लोग अभी काफी इंजॉय कर रहे थे यहाँ पर। और जो दूसरी वाली फैमिली है उनसे हम फर्स्ट टाइम ही मिले थे, तो ये लोग तो काफी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। तो गाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हिडिम्बा माता का जो टेम्पल है वो शेयर करूंगी। तो गाइज आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए, इंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं।